गाइज, वेलकम टू माय चैनल FNX गेमर्स। एंड आज का ये वीडियो होने वाला है M1014 टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक, जिससे कि आप ऑटो हेडशॉट मार सकते हो। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप M1014 से ऑटो हेडशॉट मार सकते हो। साथ ही साथ गाइज, तुरंत आप कवर भी ले सकते हो एंड आपको कोई मार भी नहीं सकता एंड आप पूरी स्क्वाड वाइप कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में आई बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई ऐसी आगे भी वीडियो डालेंगे वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और गाइज, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारी टिप नंबर 1 है फर्स्ट जंप एंड देन शूट। ठीक है गाइज, किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इस क्लिप को देखिए गाइस, मैंने फर्स्ट जंप किया, जंप करके शॉट मारा एंड बंदे को हेड को लो। दूसरी बार जंप किया, दूसरी बार बंदे को बॉडी को लगा एंड बंदे दोनों डाउन हो गए। यानी कि एक ही स्प्रे में मैंने दो बंदों को खा लिया। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्लो मोशन में एंड उसे देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सो दोस्तों, अब आप देखना कि पहले क्या करना है। पहले आपको मूव करना है या स्प्रिंट करना है, दूसरी बात आपको जंप करना है, तीसरी बार शॉट मारना। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, जैसे कि मैंने देखा एनिमी को, मैं एनिमी की तरफ मूव करने लगा, मूव किया, फिर देखो गाइस दूसरा जंप किया। ये देखो गाइस, जंप किया, जंप करके शूट किया, शूट किया तो डायरेक्ट गाइस बंदे को हेड शॉट लगा। ठीक है, तो पहली टिप्स ये होगी कि ऑलवेज जंप एंड शूट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी टिप्स की तरफ। सो गाइस, टिप नंबर 2 है आपकी सेंसिटिविटी। जी हाँ गाइज, सेंसिटिविटी आपकी बहुत मैटर करती है M1014 के ऑटो हेडशॉट पर। गाइज, मैं आपको बताऊँगा किस तरह से करता हूँ। पहले तो आपको मतलब ये बोल रहे होंगे कि ये तो भाई सब लोग बताते हैं और ये क्या है। सो गाइज देखो, सेंसिटिविटीज क्या होता है, आपके मूवमेंट स्पीड। जी हाँ गाइज, मूवमेंट स्पीड, यानी कि अगर पीछे से बंदा मार रहा है तो फटाफट आप 180 डिग्री पर घूमकर कैसे मार सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर आप देखना कि पीछे से मेरे को बंदा मारेगा एंड मैं 180 डिग्री में घूमकर उस बंदे को मारूंगा। ठीक है गाइज, ये बंदा आया, देखो 180 डिग्री घूमकर नॉक किया। गाइज, इसी तरह से आप मतलब सेंसिटिविटी आपको कर सकते हो। सेंसिटिविटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर और देखो आप, ये बंदा मेरे को मार रहा है एंड मेरी HP यार 9 ही रख, सिर्फ 9 ही बसती है। देखो 7 या बस गई। सो गाइज, अब देखना पीछे से बंदा आया, मैंने जस्ट जड़ से घुमाया एंड बंदे को हेडशॉट देकर जीत गया। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी सेंसिटिविटी आपको रखनी है। सो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि आपको जनरल है जो कि पूरी 100 रखनी है एंड रेड डॉट भी 100 रखनी है, क्योंकि इससे ही आपकी मतलब मूवमेंट होती है पूरा 180 डिग्री घूमते हैं। एंड दूसरी आप फोरस्कोप, टू स्कोप या AWM की जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। ठीक है, लेकिन AWM के लिए मुझे पता नहीं। शॉटगन के हेडशॉट के लिए आपको जनरल एंड दूसरी वाली है रेड डॉट, आपको 100 रखनी पड़ेगी। सो गाइस, टिप नंबर 3 है हमारी एम। अब आप देखना कि एक बंदे को मैं किस एम से मारता हूँ और दूसरे को किस में एम से। सो गाइस, यहाँ पर मेरा एम था हेड के ऊपर एंड गाइस दूसरा बंदा आया, मेरा एम कहाँ था, नीचे। यानी कि मैं यहाँ से अगर मतलब हेडशॉट मारने की ट्राई करूँगा तो नहीं लगेगा, इसलिए गाइस एम आपका हमेशा अपने सिर के बराबर देखना। ठीक है, सो गाइस टिप नंबर 3 हो गई ये, एम को हमेशा अपने सिर के बराबर रखिए। सो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। गाइस, अगली टिप्स है कवर। जी हाँ गाइस, कवर। अब इस क्लिप में आप देखना कि किस तरह से मैं एम के साथ साथ कवर लेकर मतलब बंदे को डाउन करता हूँ एंड विक्ट्री करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर गाइस सामने बंदा था, मुझे पता था बंदा आ रहा है। सो गाइस देखो गाइस, मैंने उसको दिया मतलब मेरा एम के हिसाब से दिया हेडशॉट दिया, दूसरे ने मुझे डाउन किया। लेकिन गाइस, मेरा एक दोस्त था जो कि कवर में था, मैं नहीं था लेकिन दोस्त कवर में था। सो गाइस, ये उसको बसाने में लग गया, तब तक मेरा दोस्त कवर में रहा और मैं उधर चला गया एंड इसने मुझे रिवाइव कर लिया। सो रिवाइव कर लिया, जैसे ही उसने रश किया तो मेरा दोस्त तो डाउन हो गया मतलब, लेकिन मैंने पूरी 20 की हेल्थ से मतलब उसको खा लिया। सो गाइस, कवर आपके बहुत ही मैटर करता है। अगर मैं कवर में नहीं आया होता तो ये भी मरता और मैं भी मरता, इसलिए गाइस कवर मैटर करता है बहुत ज़्यादा। सो गाइस, एम, कवर एंड सब कुछ करने के बाद जब ये चारों टिप्स फॉलो करोगे ना, तब गाइस बात आती है ट्रिक हेडशॉट। यानी कि चारों फॉलो करने के बाद पाँचवीं ट्रिक है ट्रिक हेडशॉट। गाइस, अगर आप वो फॉलो करोगे, अपना एम ठीक रखोगे, कवर लेकर खेलोगे। सो गाइस, मैंने कवर लेकर खेला एंड यहाँ पर इसको ड्रैग होकर ड्रैग हेडशॉट लग गया। कैसे लग गया एक बार स्लो मोशन में देखिए। सो गाइस, यहाँ पर हमारा क्या किया, पहले मैंने स्प्रिंट किया यानी कि दौड़ा, फिर जंप किया, जंप करके एम के हिसाब से मैंने मारा। सो गाइस, तब जाकर इसको हेडशॉट लगा।
सो गाइज आई होप आपको ये 500 के 500 ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी एंड उम्मीद है कि आप इसे फॉलो करोगे एंड हेडशॉट मारोगे। सो गाइज सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्लैश स्क्वाड खेलिए M1014 अगर आपके पास मतलब खेलना नहीं जानते हो M1014। सो गाइज आप क्लैश स्क्वाड में हमेशा M1014 लेकर खेलो, आप प्रो बनोगे M1014 के। सो गाइज बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये हेल्पफुल लगी ट्रिक या नहीं। सो गाइज बस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।